हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही बड़े होंगे। तो गाइस हम लोग वापस आ चुके हैं भाई इंडियन कार्स एंड पाकिस्तान कार्स का गेम प्ले के साथ। एंड भाई सामने रैंप आप लोगों ने भाई थंबनेल पे देख के समझ ही चुके होंगे भाई, हम लोग करेंगे आईफिल टावर के ऊपर से जंप। एंड आज का जो गेम प्ले होने वाली है भाई बहुत ज्यादा मस्त होने वाली है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो एक साइड हम लोगों का इंडियन कार्स, दूसरे साइड है हम लोगों का पाकिस्तानी कार्स। एंड सामने देखो भाई जंप चैलेंज के लिए हम लोगों ने रैंप बना के रखा है। एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत स्पीड बूस्ट भी दे दिया है ताकि गाड़ों को प्रॉपर तरीके से भाई यहाँ पर स्पीड मिलके भाई इसके ऊपर से, यहाँ पर आप लोग जो व्हाइट कलर के बॉल दिख रहे हैं भाई इसके ऊपर से जाना पड़ेगा। एंड क्रॉस करके देखेंगे कौन सा गाड़ी इधर तक आ पाती है। जो गाड़ी भाई क्रैश हो जाएगा वो गाड़ी पूरा फेलियर लिस्ट पे आ जाएगा। तो गाइस सबसे पहले अभी हम लोग लेंगे कोई एक इंडियन गाड़ी। सो गाइस सबसे पहले अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं इंडिया की तरफ से महिंद्रा थार 2021 मॉडल। एंड भाई देखेंगे अभी थार का परफॉर्मेंस कैसा निकल के आती है कैसा नहीं। फिलहाल यहाँ पर गाड़ी का स्पीड आप लोग देख सकते हो अच्छा खासा चला गया भाई, 240 के ऊपर भाई स्पीड चला गया। एंड यहाँ पर फाइनली आप लोग देख सकते हो थार ने भाई जंप तो भाई बहुत ही सही लगाया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई 240 के स्पीड पर गाड़ी ने शायद जंप लगाया था। एंड यहाँ पर जाके हम लोगों का गाड़ी भाई गिरता है तो देख सकते हो वैसे डेंट वगैरह कुछ गाड़ी पे ज़्यादा आया नहीं है, मतलब आया ही नहीं है। एंड गाड़ी यहाँ पर जाके गिरा था तो गाड़ी को यहाँ पर हम लोग कर देंगे पार्क। एंड भाई साहब आप लोग देख सकते हो सिर्फ भाई यहाँ पर शीशा वगैरह पे भाई मिट्टी वगैरह लग चुकी है और कुछ नहीं है। तो इसे इंडिया पे तो मिल चुके भाई 1 पॉइंट। तो अभी हम लोग लेंगे पाकिस्तानी नेक्स्ट गाड़ी। से भी हम लोग लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी जीप जो कि पाकिस्तानी BJ40 है। तो इस गाड़ी को भी लेकर चलते हैं फटाफट एंड देख लेते हैं यहाँ पर हम लोगों का BJ40 का परफॉर्मेंस। फिलहाल यहाँ पर आप लोग स्पीड तो देख ही सकते हो भाई 180 के ऊपर, भाई 180 के ऊपर चला गया था। एंड भाई साइड से थोड़ा निकल गया यार, साइड से अगर थोड़ा भी नहीं निकलता ना भाई ये समझो ये गाड़ी फेलियर लिस्ट पे आ जाता है। खैर गाड़ी का लक अच्छा खासा था तो इसके कारण गाड़ी बच चुका है। तो जो भी है भाई यहाँ पर लक की वजह से गाड़ी जीत गया, वैसे फेलियर लिस्ट पर नहीं तो आ जाता। तो जो भी है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पाकिस्तान का भी हो चुकी है 1 पॉइंट। तो फिलहाल दोनों कंट्री का चल रही है भाई सेम पॉइंट। तो भाई लेंगे अभी हम लोग नेक्स्ट को इंडिया गाइस। जब भी हम लोग लेकर चल रहे हैं इंडिया की तरफ से महिंद्रा स्कॉर्पियो S11। एंड भाई इसका ओवरऑल आप लोग लुक तो देख ही सकते हो भाई, बहुत ही शानदार लुक्स है। फिलहाल इस गाड़ी को भी अभी हम लोग लेकर चलेंगे फटाफट ज़्यादा देरी ना करके। एंड देखेंगे यहाँ पर हम लोगों का स्कॉर्पियो S11 का परफॉर्मेंस। फिलहाल आप लोग देख सकते हो S11 ने भी भाई बहुत ही सही जंप लगा लिया। एंड भाई यहाँ पर गाड़ी गिरते गिरते बच चुका है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पर ओह भाई साहब यहाँ पर गाड़ी बच चुका है। एंड यहाँ पर ओके चलो इसको यहाँ पर कर देंगे पार्क। फिलहाल यहाँ पर पाकिस्तानी BJ40 से भाई आगे गिरा है हम लोगों का स्कॉर्पियो S11। एंड अभी तक दोनों इंडियन कार से भाई सबसे आगे आप लोग देख सकते हो इंडिया का हो चुकी है अभी 2 पॉइंट। एंड इधर से भाई आप लोग देखो नीचे से भाई ऊपर तक भाई आईफेल टावर बहुत ही ज़्यादा ऊँचाई तक है। तो जो भी है गाइस अभी हम लोग लेंगे नेक्स्ट पाकिस्तान। तो भाई अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से भाई फोर्ड एक्सप्लोरर को। तो भाई यहाँ पर हम लोग पाकिस्तान का फोर्ड एक्सप्लोरर को भी लेकर चलेंगे फटाफट, ज़्यादा देरी ना करके। यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर फोर्ड एक्सप्लोरर का पावर। फिलहाल आप लोग देख सकते हो गाड़ी में पावर तो भाई अच्छा खासा तो नहीं कहेंगे, यहाँ पर थोड़ा बहुत कम ही देखने के लिए मिला हम लोगों को। एंड यहाँ पर देख सकते हो आप लोग फोर्ड एक्सप्लोरर अभी जाके फेलियर लिस्ट पे आ चुका है, क्योंकि पावर यहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ नहीं। एंड यहाँ पर क्रैश टेस्ट तो भाई उतना भी खास तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ चलो ज़बरदस्त हुआ थोड़ा बहुत। एंड यहाँ पर देखो भाई ट्रेन आ रही है, तो भाई ट्रेन के भाई यहाँ पर सामने रख देते हैं। एंड भाई थोड़ा यहाँ पर क्रैश टेस्ट भी कर लेते हैं। एंड गाइज आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई ट्रेन के साथ क्रैश टेस्ट देखना है या नहीं। हर एक इंडियन गाड़ी, पाकिस्तान गाड़ी, सुपर कार एंड बांग्लादेशी कार रखेंगे एंड देखेंगे भाई क्रैश टेस्ट, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ओहो भाई गाड़ी को किधर जाके लेकर चल गया भाई। तो अगर आप लोगों को भाई ऐसे ही क्रैश टेस्ट देखना है कौन सा गाड़ी का कैसा हालत बनता है, तो भाई इस वीडियो पे आप लोगों को 500 कमेंट करना है। तो यार 500 अगर कमेंट हो जाएगा तो भाई मैं कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो पे। तो जो भी यहाँ पर हम लोगों का जो पाकिस्तान है भाई यहाँ पर एक्सप्लोरर फेलियर लिस्ट पे आ जाती है, तो अभी हम लोग लेंगे नेक्स्ट इंडियन गाड़ी। गाइस अभी हम लोग लेके चल रहे हैं इंडिया की तरफ से भाई सब हुंडई वर्ना 2021 मॉडल। तो भाई यहाँ पर हम लोगों का एक सीडान गाड़ी है, तो इस गाड़ी को भी अभी हम लोग लेके चलेंगे फटाफट एंड देख लेते हैं। यहाँ पर जो गाड़ी भाई 200 क्रॉस कर जाएगा आई थिंक वो गाड़ी इजीली तरीके से ही चढ़ जा रही है। एंड यहाँ पर 200 के ऊपर से ही गाड़ी ने जंप ले लिया। एंड यहाँ पर देखो भाई जैसे कि पाकिस्तानी जीप भाई यहाँ पर BJ40 थोड़ा साइड से निकल गया था, उसका लक अच्छा था जीत गया। एंड भाई यहाँ पर हुंडई वरना भी वैसे ही सेम उतना भी नहीं, लेकिन अच्छा खासा परफॉर्म किया, डेवी आगे से थोड़ा साइड से निकल गया एंड विनर लिस्ट पे आ चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर इंडिया का आप लोग देख सकते हो 1, 2, 3 पॉइंट्स है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान का अभी तक भाई 1 पॉइंट है। तो भाई लेंगे अभी हम लोग नेक्स्ट पाकिस्तानी गाड़ी। एंड गाइस अभी हम लोग पाकिस्तान की तरफ से लेके चल रही है यहाँ पर अल्फा रोमियो का। एंड भाई स्पोर्टी लुक है गाड़ी का एंड पावर ओहो ओहो गिरना नहीं है भाई साहब, बच गया।
ओ अभी अभी गिरते गिरते बच गया। फिलहाल गाड़ी को थोड़ा पीछे करता हूँ, नहीं तो आप लोग बाद में बोलोगे भाई आपने चीटिंग किया। तो जो भी है यहाँ पर देखो भाई, यहाँ से गाड़ी को स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने एंड फुल स्पीड। आप लोग देख लो यहाँ पर पावर तो इसके अंदर भाई मारना पड़ेगा, अच्छा खासा पावर है। 200 अभी जाके ही चल गया, 210 के स्पीड में गाड़ी ने जंप लिया एंड ऊ बहुत ज़्यादा नज़दीक से, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक से यहाँ पर पाकिस्तानी अल्फा रोमियो निकले एंड भाई यहाँ पर आप लोग अभी जाके देख सकते हो। ओ भाई साहब बेंट तो भाई बहुत ही खतरनाक वाला हुआ, लोगो साइड से गिर गया गाड़ी का, नहीं लोगो भाई मतलब अंदर चला गया। तो जो भी यहाँ पर अभी जाके पाकिस्तान का 2 पॉइंट हो चुका। तो अभी हम लोग लेके चल रहे हैं अपना देसी गाड़ी जो कि महिंद्रा बुलेरो है, तो भाई बुलेरो को भी अभी लेके चलते हैं। यहाँ पर सस्पेंसर भी इसका भी बहुत ज़्यादा मस्त है, फिलहाल फटाफट लेकर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर। ओहो ओहो हम लोगों का देसी गाड़ी, ओ 210 के स्पीड में एंड भाई गाड़ी थोड़ा सा, नहीं भाई ऊपर से ही निकली है गाड़ी, खैर थोड़ा साइड से भी चला गया। तो जो भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 110 के स्पीड पे गाड़ी ने जंप ले लिया है एंड यहाँ पर अभी जाके मतलब स्कॉर्पियो S11 से थोड़ा पीछे गिरा है, लेकिन भाई देखो दोनों आपस में ही गिरा है। तो जो भी है अभी जाके इंडिया का हो चुकी है। हम लोग लेके चल रहे हैं पाकिस्तान के तरफ से लेक्सस 570 को, तो भाई इसे भी लेके चलते हैं फटाफट एंड देख लेते हैं यहाँ पर लेक्सस का परफॉर्मेंस। सो लेट्स गो बॉयज। ओहो 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 भाई देखते हैं कैसा परफॉर्म रहता है गाड़ी का एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ओ आई थिंक क्रैश हो जाएगा, लेकिन नहीं भाई गाड़ी एकदम सही से निकाल चुकी है आप लोग देख सकते हो। एंड देखते हैं कहाँ पर जाके गाड़ी गिरता है। फिलहाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्कॉर्पियो S11 के थोड़ा ही साइड पे गिरा है। तो गाड़ी को पहले सीधा कर लेते हैं, देखते हैं इंडिया का 4 पॉइंट एंड पाकिस्तान का भाई 3 पॉइंट है। तो इसको यहाँ पर थोड़ा पीछे करते हैं, लेते हैं नेक्स्ट गाड़ी। एंड गाइस जब भी हम लोग लेकर चल रहे हैं अपना मतलब नई नवेली गाड़ी जो कि महिंद्रा स्कॉर्पियो N2022 मॉडल है एंड भाई पावर तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा है। फिलहाल देख लेते हैं और एक बार पर पावर का परफॉर्म। ओ भाई साहब आप लोग देख सकते हो, ओहो एकदम भाई नज़दीक से निकला भाई, मानना पड़ेगा एकदम ही नज़दीक से निकला गाड़ी एंड कहाँ पर जाके गिरता है देख लेते हैं। स्कॉर्पियो S11 के थोड़ा ही पीछे गिरता है गाड़ी। फिलहाल इस गाड़ी को भी अभी हम लोग कर देंगे यहाँ पर साइड एंड अभी इंडिया का हो चुके हैं गाइस 5 पॉइंट्स, लेकिन पाकिस्तान का अभी तक 3 पॉइंट है। तो लेंगे भाई नेक्स्ट पाकिस्तान गाइस। अभी हम लोग पाकिस्तान की तरफ से लेकर चल रहे हैं टोयोटा फॉर्चूनर जो कि 2017 मॉडल है। तो हम लोगों के पास भी देखो भाई लेजेंडर है इंडिया के पास में, तो लेजेंडर को बाद में लेकर चलते हैं, पहले इसको लेके जाते हैं एंड देखते हैं यहाँ पर फॉर्चूनर का परफॉर्मेंस। लेट्स गो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 150 के स्पीड में गाड़ी ने जब लिया भाई, उतना खास नहीं था। जो भी है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पाकिस्तानी टोयोटा फॉर्चूनर, खैर फेलियर लिस्ट पे आ जाती है एंड यहाँ पर डैमेज टेस्ट भी भाई थोड़ा बहुत आ चुका है। तो यहाँ से गाड़ी को छोड़ते हैं, नीचे लेते हैं एंड देखते हैं। ओहो ओहो भाई खतरनाक वाला क्रैश होते होते गाड़ी नीचे की तरफ आ चुका है, खैर कोई बात है नहीं, इसको भी हम लोग कर देंगे साइड एंड भाई लेंगे हम लोग नेक्स्ट हम लोगों का इंडियन गाड़ी। गाइस अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं इंडिया की तरफ से अपना टोयोटा फॉर्चूनर लीजेंडर। तो गाइस इस गाड़ी को भी लेकर चलते हैं यहाँ पर भाई, इसके हेडलैम्प्स का लुक्स देखो भाई खतरनाक वाला भाई, मस्त हेडलैम्प्स है इसका, मतलब मानना पड़ेगा शेर भाई शेर। जो भी है यहाँ पर वन भाई मतलब फॉर्चूनर लीजेंड मतलब नॉर्मल फॉर्चूनर से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हाँ निकल गया गाड़ी तो क्रॉस कर गया, चलो ऊपर से ही निकली है अच्छे तरीके से एंड अभी जाके देखते हैं गाड़ी किधर जाके गिरता है एकदम भाई किसके ऊपर भाई इसको मतलब हम लोगों का वरना से थोड़ा आगे गिरा है, देखो थोड़ा साइड में गिरा है, नहीं तो गाड़ी का खेल ख़त्म होता। तो इसको यहाँ पर ही छोड़ते हैं एंड भाई इंडिया का कितना पॉइंट हो गया 1 2 3 4 4 पॉइंट 5 पॉइंट एंड भाई और एक पॉइंट तो होना था, चलो 6 पॉइंट हो गया वहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड भाई 6, आप लोग देख सकते हो 6 पॉइंट हो चुके हम लोगों का इंडिया का। तो लेंगे भाई नेक्स्ट पाकिस्तानी गाड़ी। और गाइस अभी हम लोग पाकिस्तान की तरफ से लेकर चल रहे हैं टोयोटा हिलक्स 4x4 एक पिकअप ट्रक को, तो इसको भी लेकर चलते हैं एंड देख लेते हैं यहाँ पर हिलक्स का परफॉर्मेंस। फिलहाल ओहो 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 भाई 170 के स्पीड पे गाड़ी ने जंप ले लिया, लेकिन ओ निकल गया निकल गया निकल गया एंड अभी जाके आप लोग देख सकते हो पाकिस्तान का ऊपर से पॉइंट देख सकते हो आप लोग 1 2 1 2 पॉइंट हुआ है भाई, 3 3 पॉइंट्स हुआ है भाई, इसको लेके 4 पॉइंट हुआ है एंड आई थिंक और एक पॉइंट हुआ था, लेकिन और एक गाड़ी किधर गया मैं शायद से भूल रहा हूँ कुछ, लेकिन अभी तो मुझे 4 पॉइंट्स ही दिख रहा है। तो जो भी आई थिंक 4 पॉइंट्स ही होगा,
तो लेंगे अभी हम लोग नेक्स्ट कोई गाइस गाड़ी। अभी हम लोग लेके चल रहे हैं इंडिया की तरफ से टाटा सफारी 2021 मॉडल। तो इसका बिल्ड क्वालिटी भाई बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका भी परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा कैसा रहता है एंड तक, कैसा नहीं। फिलहाल अभी तक तो गाड़ी भाई बहुत ही सही, 160, 170, 200 में भी, हाँ 200 चला गया गाड़ी। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई टाटा सफारी ने अभी भाई अच्छा खासा जंप ले लिया है। एंड पॉइंट भी देखना पड़ेगा यहाँ पर इंडिया का भाई साहब 7.9। भाई किसका गेट खोल दिया भाई, लेक्सस का भाई एक गेट तोड़ दिया। एंड भाई दूसरे गेट को यहाँ पर देखो, ओह दूसरे गेट को लगा दिया। तो जो भी है इसको यहाँ पर ही छोड़ते हैं। मैं एंड पहले लेट ही अभी बता देता नेक्स्ट हूँ, मैं यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्री से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई भी कंट्री को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। तो यार कोई भी दिल पे मत लेना गाइस, जैसे फेक गेम है, रियल लाइफ से कंपेयर मत करना। अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान के तरफ से जंपिंग किंग, जो कि आउटलैंडर है। तो गाइस आउटलैंडर को भी लेकर चलते हैं एंड देखते हैं यहाँ पर आउटलैंडर का परफॉर्मेंस। ओ बहुत ही सही जंप लिया, सबसे आगे तो यही गाड़ी जाएगा, थार से भी आगे जाएगा, इतना तो मुझे भी पता है। एंड देख सकते हो आप लोग, देख सकते हो आप लोग, बहुत ही सही, बहुत ही सही। एंड इधर जाके गाड़ी गिरता है, फिलहाल इस वाले जो चट्टान है चट्टान से थोड़ा नीचे, हाँ यहाँ पर गिरा है। तो अभी जाके पाकिस्तान का तो 5 पॉइंट हो चुकी है, लेकिन इंडिया का भाई 7 पॉइंट हुआ है। तो जो भी है गाइज लेते हैं हम लोग का लास्ट इंडियन गाड़ी। गाइज अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं इंडिया की तरफ से इंडियन जंपिंग किंग कार, जो कि एमजी ग्लॉस्टर है। तो एमजी ग्लॉस्टर को भी लेकर चलते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर एमजी ग्लॉस्टर भाई लगा दो तगड़ा वाला जंप। एंड भाई सब जम तो बहुत ही सही लगाया है इस गाड़ी ने भी, देखना पड़ेगा अभी कितना दूर तक जा पाती है गाड़ी। आउटलैंडर जैसा तो नहीं मार पाएगा। ओ भाई थार से भी पीछे है भाई, थार से बहुत पीछे है, आप लोग देख सकते हो थार से बहुत पीछे गिरा है। तो इस गाड़ी को अच्छे होते लेते हैं ऐसे हम नेक्स्ट लोग गाड़ी। पाकिस्तान की तरफ से लेकर चल रहे हैं पाकिस्तानी मोस्ट डिमांडेबल गाड़ी, जो कि टोयोटा लैंड क्रूजर है। तो गाइस इस गाड़ी को भी लेकर चलते हैं एंड देखते हैं यहाँ पर लैंड क्रूजर कैसा परफॉर्म कर पाएगा। सो लेट्स गो, यहाँ पर गाड़ी हम लोगों का स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो जम तो भाई ये भी सही ही लगा, टेंशन वाली बात है नहीं। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाड़ी निकल चुकी है। एंड भाई यहाँ पर इंडिया का तो भाई 8 पॉइंट ही हुआ है, एक भी पॉइंट बाहर नहीं गया, लेकिन पाकिस्तान का भाई 6 पॉइंट हुआ, 2 पॉइंट का डिफरेंस रह गया। तो जो भी है गाइस इस गाड़ी को भी यहाँ पर आप लोग छोड़ देते हैं। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2 पॉइंट भाई आगे पीछे है, हारना जीतना तो भाई लगे रहते हैं, बिकॉज दिस इज द गेम, रियल लाइफ तो है नहीं, तो टेंशन वाली बात भी है नहीं, मज़ा भाई सिर्फ एंटरटेनमेंट है और क्या चाहिए गाइस। इस गाड़ी को थोड़ा लेकर चलते हैं, यहाँ पर मज़े लेते हैं एंड उसके बाद हम लोग वीडियो को कर देंगे एंड। ओ ओ ओ ओ, ओ भाई इतना क्रैश क्यों भाई, इसको इसका सस्पेंशन आप लोग देखना भाई जबरदस्त वाला। ओ क्या साउंड आ रही है भाई ट्रैक के ऊपर, एक तो ऐसा वीडियो भी बनाना पड़ेगा आई थिंक, सब टाइप का एक्सपेरिमेंट हम लोग बनाएंगे। ओ कंट्रोलिंग भी भाई बहुत ही सही है यार, बहुत ही सही है भाई, मैं मानना पड़ेगा कंट्रोलिंग आप लोग देख सकते हो यार बहुत ही ज़बरदस्त है। ट्रैक के ऊपर भी कितना सही कंट्रोल हो रही है गाड़ी। बट आई थिंक भाई ट्रेन वगैरह ना आ जाए, बस बस ट्रेन वगैरह नहीं आ जाए भाई, एक ट्रेन के साथ क्रैश टेस्ट तो बनाना ही पड़ेगा एंड उसके बाद भाई और भी मज़ा आएगा। ओहो भाई मैं देखना चाहता हूँ भाई यहाँ पर टनल कब ख़त्म होता है, टनल कब ख़त्म होता है देखना पड़ेगा। चलो 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 चलो, ओ भाई दूसरा टनल स्टार्ट हो गया, समझ सकते हो भाई। ओ क्या साउंड आ रही है, क्या साउंड आ रही है भाई, आप लोग देख सकते हो। तो जो भी है गाइस अभी वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है। तो गाइस आज के लिए वीडियो से भी इतना ही था, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई लोग। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट और वीडियो पे, सो टाटा एंड बाय बाय। ओहो ओहो ओहो।